फोन कर दो मेरी सारी ने कह जीजा कितनी देर लगाई तुम्हें हाईवे में। बस से सारी को लालो रे तू और तो काम को ना है। अरे और को तेरो करूं। उरा जीजी आई गई, जीजी आई गई। उरा जीजी जीजा नहीं आए। अरे आए तो जीजा रुके तो लेने के देख रे। जीजी की चिंता ना, जीजा की कितनी चिंता है। उरा सारी क्या हाल है? पूरी तैयारी। जीजा आए गए। जीजा नमस्ते। उरा नमस्ते सारी नमस्ते। और जी को बैठो है जी पिलपिलिया के पास है जी बिजू घास कड़ी खाई थी का पी ले तू है जीजा आए तेरे को जीजा मेरी सास के मारूंगा हाल जाए। ए भगवान ए मेरे बंसी वारे तेने जी कैसो आदमी दे दो मैं कुंभ करने के खानदान में ब्याह गई मैं तो कलम फूटी गई। जाने को तो हार की चिंता ना है। मैं यहाँ से पड़ोस की सब अपा सामान ले आई बजाते जाए के जे आदमी अभी तक सोए रहे जाए तो बिल्कुल चिंता ही ना है के मोए अच्छा बंधन पे ससुराल जान हो के ना जाए नो। अरे कोरे मेरी सास को मैं नींद आराम कर रहा हूँ उठाए के लटिया घोटो में दूंगा कटोरी तो दूंगा घोटू की आवाज। अब तुम राजी तो उठ जाओगे क्या मुँह पे चप्पल तू उठाएगा तुम्हारी। उरा तू है अरे बताई देती मुझे तू ही है तो ना तुम्हें सुनाई तोरी आ रही होगी कान बंद करके लेटी हो तुम्हें का सुनाई देती है बिल्कुल। उरे तो भाग्यवान सवेर सवेरे काई को गर्म पड़ रही है का बात है चाय ज्यादा गर्म पी आई है का चक्कर हुए। चाय और दूध तो बड़े मिल रहे मुझे पीवे को तुम्हें नेकु चिंता आती है मुझे बाजार जानो है कि ना जानो। हाँ बता का कह रही है। उरा मुझे जेव तो बता दे आज घरे जानो है के बजे तक चलोगे। उरा भाग्यवान वैसे तो तू कबू सवेरे 6 बजे ना उठती आज कैसे 6 बजे उठ गई है। मायके जाई बेटी तो बड़ो लाल हो तू 6 बजे उठ गई हो वैसे हम के कबू ना उठती तू। ए जी मो चूड़ी पहनवा लाओ चूड़ी ना मुँह पे हमो को नई चप्पल डिब्बा लाओ। रे मेरी सास सवेरे सवेरे आई गई कच्चा बताई देखू तेने तो मेरे प्राण पी ले तो ब्याह चो करो तुमने तुम्हारे प्राण पीवे की चिंता ही तो तुमने ब्याह चो करो मोते ऐसे ही निठल्ले कुत्ते ने की तरह डोनते गली में। उरा तो अच्छे मेरी सासू की तो अच्छे आराम से कम जिंदगी चैनते तो कट रही जब तक तू हमारी जिंदगी में आई है तब तक मेरी सासू की ना तो चैनते सो सके ना चैनते उठ सके। तो जी बताओ तुम जाओगे कि ना जाओगे मेरी बहन को 3 दफे फोन आएगा भैया नो कह रहे हो कि कब आवेगी तू जल्दी राखी बांध भी आ जा भैया को पैसा ससुराल जावेगा तुम जल्दी चलो मैं लेट भाई जा रही हूँ बहुत तुम्हारे चक्कर में। रे तो मेरी सासू की मेरे चक्कर में तू लेट काई को है ये ऐसा कर मुझे छोड़ जा तू चली जा। ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं तुम्हें संग लेके जाऊंगी मेरी सहेली के आदमी आए होंगे सबन के और फिर मैं अकेली जाऊंगी तो फिर वो तो पूछेंगी तुम्हारे आदमी कहा है तो मैं क्या कहूंगी तो काय को बता दियो अपने भैया दिखा दियो के जाइए मेरा आदमी बताऊंगा हाल मजाक मत कर करो मुझे बता रही हूँ मैं। उरा काय तू सवेर सवेरे खून पी रही है मेरा मुझे बता तू कहा समस्या है तेरी। उरा ऐसा करो जल्दी मेरे संग चलो बाजार और मो को एक साड़ी डिब्बा लाओ और मुझे सैंडल डिब्बा लाओ नए देख ले मेरी सासू की सवेर सवेरे कच्चा बताए हुए आएगी तभी तो मैं तो दुखी रहती हूँ मेरी सासू की दुनिया को कच्चा करवाई देता इतनी तो मेरी कमाई ना है तो फिर काय को ब्याह करो। उरा काका लेके आवेगी काका लेके आऊंगी बताए तो रही हूँ एक नई साड़ी लेके आऊंगी और नई सैंडल लेके आऊंगा अपने पैर बेकू और राखी लेके आऊंगी मैं पैता है ऐसा कच्चल राखी तो डिब्बा लाऊंगा रास्ते ही में तो फिर एक काम कर जल्दी तैयार है जा फिर का देख रही है फिर भीड़ भाड़ है जा भी रास्ता में बहुत भीड़ मिलाई जल्दी तैयार है जा मैं निकाल रहा हूँ मोटरसाइकिल धो जाएगा तैयार कर रहा हूँ तू बैग लेकर तैयार है जा। ए जी सुन रहे हो ललाय तैयार कर लू मैं और कहा बाबे सासू के छोड़ के जावेगी वो जहाँ रह लेगा मम्मी के पास ठीक है तो मैं तैयार कर रही हूँ जल्दी तुम ऐसा करो जल्दी तैयार हुआ फिर। अरे मेरी चिंता काय कर रही है मैं तो तैयार बैठूंगा सवाल ने को मुँह पे पानी मारती हूँ जे तैयार भाव शेर कबू तैयार है मैं टेम लगाता है हाँ माले मैं बहुत जोर के शेर हो जल्दी तैयार है जाओ। पूरा भाग्यवान मेरी काय चिंता कर रही है 3 घंटा तैयार है वे मैं तो लगेंगे तू तैयार हो जाएगा तू है तैयार तो समझ ले पूरा जमानो तैयार है गो जा जल्दी तैयार है जा लोड़ा जल्दी तैयार कर ले ठीक है तुम मोटरसाइकिल बिल्कुल तैयार रखो मैं बहुत जल्दी तैयार है के आ रही हूँ बस आ जल्दी चलू मोटरसाइकिल निकाल के करूँ तैयारी। अरे मोटरसाइकिल तैयार है आ जा जल्दी कितनी देर लगा रही है उरे आ रही हूँ बस आ रही हूँ तैयार बस ललाकू सैंडल पहना रही हूँ आ रही हूँ बाल। ये जी सुन रही हो नेक बाजार में रोकत भाई चली हूँ जा ललाकू पैंपर्स लूंगी चो जी काम तो पे घर पे ना आए रे मेरी सासू की अब रास्ता में ही तो ध्यान आते है पैंपर्स और जी लेवे की ये जी और सामान ना लेगे बाजार में तो रुकना पड़े हो नेक देर। अरे सुन ले मेरी सासू की जा रही हो तो जा नहीं तो हवाल तो उतार दूंगा मोटरसाइकिल घरे घुमा दूंगा मेरी सासू की बाजार बाजार में कहूंगा ना रुक पाऊंगा मैं सीधा जा रहा हूँ ससुराल।
और ससुराल में ही गाड़ी रुक गई, अब बीच में कहूँ ना रुक रही। मज्जा कड़ी खाए तू और दूध पी ले तो रास्ता में दूध की भुखास लगती है। काई से तो जी कड़ी खाऊ इतना बुरा लगा तो मेरा मन नहीं करता कहूँ ले जाए बेकू। ऐसे तो मैं जा चुकी तू मुझे बहुत बुरी लगती है तो तेरा मेरा मन नहीं करता ले जाए बेकू। फिर काई को बैठे के आई गई है तुम पे तो हर वक्त बस मोकू लड़वे को बहाना चाहिए। तो मैं जा चुकी वाला लौड़ा तो कहीं एड़ रही है वो तो रोवे वही भूख लगेगी तो दूध नहीं मांगे जा रही है। मैं जा चुकी माई के ज्यादा हेट दिखाई रही होगी हाल मोटरसाइकिल आगे तो उठाएगा पीछे गिराए दूंगा। ऐसा फालतू ज्यादा बोलवे की जरूरत ना बता रही हूँ नहीं तो भैया तो शिकायत करके भैया तुम्हारे हाथ पे ढीले करवाए दूंगी। किनते कह रही है जी किनते कह रही है आगे देख के गाड़ी चला लो नहीं तो हाल तुम्हारा पापड़ सा बन जावे हो। तो सुन ले अपे भैया ही धमकी दे रही है ये तनी मार मारूंगा सारे में कहू ने मारी ना होगी। अब दोबारा धमकी मत दे दियो बता रहा हूँ मेरी आ चुकी मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है मुझे धमकाई रही है। चुपचाप गाड़ी चला लो मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो मो गर्मी के मारे बेसू चक्कर से आ रही है। चल तो फिर काय को चिंता कर रही है तो कु पोखरिया में ले जाके फेंक दूंगा सुबह में तेरा मूड ठंडो हो जाएगा आराम से। ऐसा हो से मैं बात करो मुझे बता रही हूँ तुम्हें बहुत देर है गई लिवरी लिवरी करते करते। कड़ी काय तेरे मुंह में पांच घूस दूंगी चुपचाप बैठो रे आराम से। अरे तू ज्यादा नहीं बोल रही ना ज्यादा नहीं बोल रही छोरा धमका रही है। चुपचाप लेटो ना जाए रो तो पे पहुंच जाएंगे नाना के घरे। मम्मी मुझे पेशाब लग रही है। फेंक फेंक मेरी सासु के उठा के फेंक जाए नीचे मेरी सासु को कबू हंगास लग रही है कबू भूख लग रही है कबू मेरी सासु के मुंह तो लग रहा जा फेंक मेरी सासु के नीचे उतार के। क्यों तुम तो हवाल जाएगी बच्चे ले रहे नेक देर में कैसे बदले गए। मम्मी साड़ी पे कर दूंगा पेशाब उतरो के ले पापा रोक लो गाड़ी मु पेशाब लग रही पोछू रखी। सारे तू साड़ी पे कच्चा है काऊ पे कच्चा है तू अपनी मम्मी की गोद में हंग दे मु पे कोई फर्क ना पड़ रहा। मेरी सासु के गाड़ी बीच में कहूंगे ना रोकूंगा मैं सीधी ससुराली जाए के रुकेगी। और सुन ले लेट जाने मत करा मेरी सासु के तुम दोनों जने तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी मेरा इंतजार कर रही है। तीन दफे फोन कर दो मेरी सारी ने के जीजा कितनी देर लगाई तुम्हें हाईवे में। बस सारी को लालो रे तू और तो काऊ को ना है अरे और को तेरो करूं। पड़ी काई बस पहुंच गए दो मिनट रुक जा बस अरे आ जा ऐसा कर देते घेर में अकेले कट जा तू मैं मोटरसाइकिल लगा के आ रहा हूँ। ठीक है मोटरसाइकिल पलंग लगा के आ जाइयो और ऐसा करियो जा बैग ले जाइयो ललबुए ले जाइयो तुम तू का लेके जा रही ना तू का हाथ हलात भाई जा रही खाली हाथ। ऐसा सुन ले जा लला तू ही ले जा मेरी सासु के बैग लेके आ जाऊंगा मैं। कैसो आदमी मिलो कड़ी कौन है तो कहा कह रही है कैसे बुरबुराई रही है कछु ना कह रही लगाए आओ घेर में गाड़ी। चल ठीक है उतर तू मैं घेर में गाड़ी लगा के जा लला लेके जल्दी जा करे कहू मेरी सासु को हंग ना दे तेरी साड़ी पे। ठीक है उरा जीजी आई गई जीजी आई गई जीजी आई गई उरा मेरी बहन है पिलपिलिया उरा जीजी जीजा ना आए उरे आए तो जीजा रुके तो लेने के देख जीजी की चिंता ना जीजा की कितनी चिंता है। मम्मी मैं मौची की गोदी में खेलूंगा। कड़ी खाए मज्जा नेक दे तो बैठाड़ो ना बाजारो बिक तो पूरी रास्ता मुझे दुखी करते आओ अब मैं मौची की गोदी में खेलूंगा। कड़ी खाए तो पे नेक दे खेलो ना जा तू अब कत्ती ले आई सो ले आई अब कत्ती जा कड़ी खाए अब नहीं लेके आ करूंगी संग में। उलुलुलु बाबू अरे केचो है बाबू तू मौची मो टट्टी लग रही है। उरे लली जाए सोकर बाहर टट्टी करवाला लला टट्टी लग रही है। उरा मम्मी नमस्ते उरा लली नमस्ते नमस्ते और लला नहीं आए। उरा मम्मी तू देख ले मजाक करते है मोते ए मजाक करते है तू मोते जी बताइए बिना आते तो मैं कैसे आ जाती अकेली। मैं कहा रास्ता देखी है आए रहे अभी घेर में गाड़ी खड़ी करवे गई है आ जा लला तो टट्टी करवाए लाऊ। मैं जा रहा हूँ मोते भूख लग रही है। अभी तो टट्टी लग रही है भूख लग जाएगी नेक देर में। मैं जा रहा हूँ दूध दे जा कड़ी खाए के मोह पे तमाचो था कैसे कैसे कड़ी खाए ने पूरी रास्ता मुझे दुखी कर लो अब यहाँ पे आके फिर आती कर रहा हूँ मोई जी। ये लली कोई बात ना है बालक हुए बालक तो ऐसे करते ही है। मम्मी दूध पीऊंगा
उरा साड़ी क्या हाल है? पूरी तैयारी जीजा आए गए। जीजा नमस्ते। उरा नमस्ते साड़ी नमस्ते। और सुनाओ क्या हाल चाल है? कैसी कट रही है तुम्हारी जिंदगानी? उरा जीजा बस तुम्हारी कृपा दृष्टि है अच्छी कट रही है। बस हम चिंता मत करो, अब तो हम आए गए और अच्छी कटवाएंगे तुम्हारी। जीजा मजाक कर रही हो तुम, मजाक करता हो तुम बहुत। आओ जीजा कटिया पे बैठो। उरा सारी इतने प्यार से कटिया पे बैठा रहे। जीजा ना बैठे, आओ हम बैठे थे तुम बैठो, आ जाओ। ना जीजा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कछु खाए वे पीवे को लेके आऊं। उरा कोई बात ना, सारी तुम आए गई तुम्हें देख लो जे समझ लो, हमारा तो पेट भरेगा बस, खाए वे की कोई चिंता ही ना है। जीजा मजाक करते हो तुम बहुत ज्यादा ही। मज्जा कड़ी खाई जाए के कहूँ। आओ जीजा आओ कटिया पे बैठो। और बताओ जीजा रास्ता में कोई परेशानी तो ना है भाई? उरा तुम्हारी जैसी साड़ी ने बुलाया हो तो रास्ता में कहा परेशानी है? सकते रास्ता में तो खूब मजे ले तो भाई आए, कोई परेशानी ना है भाई। बस जीजा और बताओ और क्या हाल चाल है तुम्हारे? उरा और भी बता देंगे ने का दे, रुक जाओ बस ने को मुझे सांस सी लेन दो, फिर देखो बताऊंगा तुम्हें और क्या हाल चाल है। बढ़िया हाल चाल है हमारे तो, तुम बताओ। जीजा तुम अपने भैया ने को बुलाए के लाई वेगी कह रही सुने लेके आए? उरा जी बताओ सारी हमारे आई वेगी तुम्हें खुशी ना है भाई? जीजा कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी आई वेगी तो खुशी है ही है, तुम आए गए तो घर में देखियो कैसो चमक दी आई गई है। लली पिलपिलिया उठ के नग दे चाय पाए बनाए लाती है भाई, जीजी को जीजा को चाय दे देती बनाए के। उरा माता जी कोई बात ना, नेकर दे रुक लियो, हम आराम से पी लेंगे चाय, अभी बनाई लेंगे आराम से, अभी कोई जल्दबाजी ना, हवाल थोड़ी जा रही है। हे लला ऐसी कोई बात ना, मैं चाय वेगी ना कह रही, मैं तुझे कह रही चाय पाए बनाई लेती थी। उरा कोई बात ना, बन जा रही चाय आराम से। और मम्मी भैया कहाँ गए? भागे जल्दी तर आगे भागी बांध के नीचू कर देती। फिर लली बाल लेकर कड़ी खाई ने आज दारू पी ली है बहुत ज्यादा, सो भारी ढोलो है। ते पापन ने कह दिया जब तक दारू ना उतर जावे तब तक घर में मत घुसी, नहीं तो कड़ी खाए तो टांग पटांग धर के चीत दूंगो, सो डर के मारे घर में नहीं आओ आज। ये तो मम्मी बाप बुलाई लेती, बाप बुलावेगी ना तो मैं रागी कैसे बांधूंगी, हमारी नंदा आई बेकू बैठी है घर है जे जान गया भाई। ए लली तू रुक बेना आई? ए मम्मी मैंने तो खूब कोशिश करी, वो हमारी नंदन आ पूरी चुरा लिया कड़ी खाई, यो कह रही मेरी नंदू तो आऊंगी, जब आंगे हम तो बाद में आ रहा, मत तू जा रही है तो चली जा जल्दी आ जाइये फिर घरे लौट के। ए लली तेरी नंद बहुत बुरी है। ए मम्मी अब तो कहा बताऊं मैं कैसे कैसे झेल रही हूँ घर में। चल लली कोई बात ना छोड़, अब तो हर को टेम हुए। जीजा बता तुमको कहा बनाऊ मैं, पकौड़ी बनाई दू? उरा सारी तुम सामने बैठी हो, मेरे लिए तो जे ही काफी है। उरा फूलवती आ गई तू? उरा नंगा तू कहा डोल लो? उरा तो मालूम ना मोर डोगन ने बाल लगा दो आज करते तो कड़ी खाए तू करम ही ऐसे करतु है? और जी को बैठो है जे पिलपिलिया के पास है जी बिजू का सो कड़ी खाए इतनी काय पी ले तू है? जीजा है तेरे को? जीजा मैं सासु के मारूंगा आ जाए। देख रही है लली देख रही है कड़ी खाओ कैसी बातें करतु है जी पी के चुरे कैसे पानतू बोल लो? अरे ओए जीजा पीजा कोई ना मेरी सासु के बाल कर रहे कड़ी खाए तो कुछ जीजा ना दिख रहे? अरे का परेशानी है रे तुए चुरे तुए का परेशानी है कोई रे तू कड़ी खाए ते जीजा आए जी? उरे सारे बाल कर रहे मेरे घर में थे यार, तेरी नानी को कनस्तर मारू मेरी सासु के रुक ले। ओ मम्मी समझाए था जे मेरी सासु को मैं मार रहा हूँ जी यार, तेरी मेरी सासु के तू अपने जीजा ते बोले वो उनकी सीधी और चल रही चल बैग उठा जल्दी, मेरी सासु के जाके राखी बांधी आई तुझी, मेरी सासु को मोई तो बदतमीजी कर रोज ए जी मान जाओ जाने पी लई है ताजे करो जी कड़ी खाओ आज। ठीक है जाने पी लई है मेरी सासु के जाओ मैं उसे लूंगा मैं उन्हें पी लई है। ओ छोड़ दे मेरी सासु के को रे तू, तेरा जी जाऊ मेरी सासु के ले फिर मेरी सासु के दीख मत जाइयो ना। चल रही चल जल्दी कपड़ा उठाओ जल्दी निकल जनते अब ए जी रुक जाओ नेक दे आ रही है ना फिर मैं जाऊं। चलो चल ले कड़ी खाए चले आ जाओ जल्दी आ रहा हूँ तू गाड़ी पे बैठ। तो भैया तुम क्या देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, प्यारी सी कमेंट करके बताए दो। और भैया भाई चैनल पे पहली दफे आए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलो तो भैया चलते फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।